कहा जा रहा है कि वीडियो 21 सेक्टर के गुरुद्वारे की यार वो एवं पैरों नाल आलू धोया जा रहा लंगर का काम जो लंगर का पैरों नाल धोया जा रहा सारा कुछ क्रिकेट कल तो साढ़े गुरुद्वारे कोई लंगर तैयार ही नहीं होया पहला इदों पहला 26 तरीक नूं होया सी जिहड़ा अज वाला वो अज सवेरे होया हैगा कल तो कोई लंगर ही नहीं तैयार होया ये किसी गलत बंदे ने गुरुद्वारे नूं बदनाम करन वास्ते ये जिहड़ी वीडियो पाई हैगी आ ये पिछले 15-20 दिनों चो किसी दिन की हो सकती है वो असीं कैमरे चैक करके वेखांगे भी वीडियो देख रहे हैं साफ तौर पर पिछे जो लोकेशन है गुरुद्वारे की आ रही है ट्रक यूनियन वाले लंगर बनवाया सीगा इन्हां दिनों के पिछले 15-20 दिनों के एक दिन वेरका बूथ वाले बनवाया सी मार्केट वाले ने बनाया सीगा वो अपने बंदे लैके आए सी उन्होंने तैयार करवाया सीगा होएगा तो भी लंगर ही लोगों ने खाना होगा किसी ने मतलब कि प्रसाद के रूप से यूज होता होगा पर एक सवाल तो उठते हैं गुरुद्वारा की मर्यादा उत्ते वो जिहड़ा लंगर वो तैयार करते हैं वो ना तो उन्होंने भोग लाते हैं ना कुछ कहते वो तो अपने ड्रमा च पा के लै जाते जिते वरता होंगे उत्ते वरता देंगे कोई परिवार है बाहर अपने टिक्कियां बनाता कोई जलेबियां बनाता कोई खीर बनाता है तो वह तो अपने लैवल से बना रहे हैं ना जी वो तो साडा तो वो कोई तलक वास्ता ही नहीं है तुम वो जोड़ दो साडा तो कोई नहीं असं तो गुरुद्वारे के हॉल के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं लीगल एक्शन कोई लै रहे हो खिलाफ बिल्कुल असं उन्होंने खिलाफ ही कोई लीगल एक्शन लवेंगे जिन्होंने किया है उन्होंने गल मैं रात को गल हुई उन्होंने मैं क्लीयरली दसिया कि अज का कोई साढ़े लंगर ही नहीं है बीते दिन ही चंडीगढ़ के सैक्टर 21 के गुरुद्वारे विच एक वीडियो वायरल होंगी है जिहदे विच कहा जाता है कि ये सैक्टर 21 के गुरुद्वारे की जिहदे विच दो बंदे पैरों नाल आलूआं नूं धो रहे सी ये तमाम वीडियो थोड़े सामने होएगी और साडे नाल 21 सैक्टर गुरुद्वारे के प्रधान तजिंदर पाल जी मौजूद ने गलबात कर रहे हैं पाल साहब जिहड़ी वीडियो वायरल हो रही है कल दी परसों दी कह रहे हैं कल ना जुड़ी जा रही 28 तरीक नूं शहीदी जोड़ सभा जोड़ी जा रही है कहा जा रहा है कि वीडियो 21 सैक्टर के गुरुद्वारे की यार वो एवं पैरों नाल आलू धोया जा रहा लंगर का काम जो लंगर का वो पैरों नाल धोया जा रहा सारा कुछ क्रिकेट की जा रही है कल तो मैं पहला ही कह चुका कल तो साढ़े गुरुद्वारे कोई लंगर तैयार ही नहीं होया 28 तरीक नूं साढ़े गुरुद्वारा साहब विखे कोई भी लंगर नहीं तैयार होया पहला इदों पहला 26 तरीक नूं होया सी जिहड़ा अज वाला वो अज सवेरे होया हैगा कल तो कोई लंगर ही नहीं तैयार होया ये किसी गलत बंदे ने गुरुद्वारे को बदनाम करने वास्ते ये जी वीडियो पाई हैगी है यदा गुरुद्वारे के नाल कोई तलक वास्ता नहीं है बल्कि एक मान जी वीडियो है गुरुद्वारे की हैगी है भावें उस दिन अगे पिछों की हो सकती है मतलब कि इस तरह जी पिछले 15 दिनों के मैं इत्थे साढ़े जिहड़े कई परिवार जुड़े हुए ने वह लंगर लगाते हैं जिवें बाहर मेन रोड से ला लिया ट्रक यूनियन वाले लाते हैं मार्केट वाले लाते हैं वो अपने बंदे लैके आते हैं वो तैयार करते हैं तो वो जे इतें वरता इतने बहर वरता देंगे मेन रोड से वेरका बूथ वाले तैयार किया उन्होंने वेरका बूथ से जाके लाया ये पिछले 15-20 दिनों चो किसी दिन की हो सकती है वो असी कैमरे चैक करके वेखांगे भी क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं साफ तौर पर पिछले जो लोकेशन है गुरुद्वारे की आ रही है हम अभी देख रहे हैं साफ तौर भी लोकेशन आ रही है उस वीडियो के लगता कि पहला 15-20 दिन एवं कोई घटना वापर या होया कोई ये पिछले जिस तरह मैं दसाया है भी ट्रक यूनियन वाले लंगर बनवाया इन दिनों के पिछले 15-20 दिनों के एक दिन वेरका बूथ वाले बनवाया मार्केट वाले ने बनाया वो अपने बंदे लैके आए थे उन्होंने तैयार करवाया तो इस लंगर का जो दिखा रहे हैं गुरुद्वारे के लंगर नाल कोई तलक वास्ता नहीं है बाकी जो भी गल होगी असं उ पूरा एक्शन लवेंगे कोई गल नहीं है लगता जिस तरीके वो होगा तो भी लंगर ही लोगों ने खाना होगा किसी ने मतलब कि प्रसाद के रूप से यूज होता होगा पर एक सवाल तो उठते हैं गुरुद्वारा की मर्यादा उत्ते इस तरह है जी भी वो जो लंगर वो तैयार करते हैं ना तो उन्होंने भोग लाते हैं ना कुछ कहते वो तो अपने ड्रमा च पा के लै जाते जिते वरता होंगे उत्ते वरता देंगे है ठीक है ना जी बाकी असी जो भी गलबात हैगी चेक करके उस हिसाब से देखा कि कार्रवाई बनती है 15-20 दिन के सारी मतलब कि घटना वापरी हुई इस तरीके जो जे होएगी तो जरूर देखा क्योंकि जो मेरा आइडिया है मैं सवेरे कैमरे च वेखिया 28 दिन की रिकॉर्डिंग के मैनू तो यहोजी कोई चीज़ नज़र नहीं आई हैगी जी जी हाँ नहीं लगता इस तरीके सारा वापर रहा आने वाले समय में होर भी किसी ने गुरुद्वारा साहब में लंगर बनाना होगा तो ये हदायत तय करनी चाहिए असी आने वाले समय के चेक करा कि ये किस तरह करते हैं तो बाहर वाले बंदे जे इन्होंने उन्होंने कोशिश करा भी तुम ये जे है भी ये ना ना यूज़ करो साढ़े स्टाफ को ही बनवाओ जे योजी कोई गल निकली ठीक है ना जी सवाल गुरुद्वारा साहब तो उठते हैं क्योंकि गुरुद्वारा साहब के अंदर लंगर बन रहा है तो सवाल यह उठता है कि गुरुद्वारा के अंदर भी वापर जाएगा इस तरह है जी भी हम परसों 31 तरीक का प्रोग्राम है ये पिछले 42 सालों तो लगातार चलता आ रहा कोई परिवार है बाहर अपने टिक्कियां बनाता कोई जलेबियां बनाता कोई खीर बनाता है
ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਟੋਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਟ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।